इतना हाई वॉल्यूम करना जरूरी है? मतलब थोड़ा वॉल्यूम नहीं कम कर सकता क्या? अरे म्यूजिक हाई नहीं रखूंगा तो अंदर कैसे सुनाई देगा? बाथरूम में नहाऊंगा कैसे मैं? तू नहीं सुधरेगा। माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो ना। हाँ दे रही हूँ, बैठ। क्या हुआ माँ, कुछ कहना आपको? ये ले, एक बार देख ले। ठीक है, एक बार देख तो ले। माँ ये कौन है? वो सब छोड़, ये बता कैसी लगी है तुझे? कैसी लगी मतलब? ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तू इससे शादी कर ले। माँ मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्यों, किसी और से प्यार करता है? कौन है वो? ऐसा कुछ नहीं है। अबे वो मुझसे से बाहर है। हाँ अच्छे से जानता हूँ मैं तुझे, इसलिए मुझसे कुछ मत छिपाना। अब इज्जत से बता दे कौन है वो। माँ अब मेरी शादी की बात छिड़ी चुकी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। माँ वैसे भी मैं आपको कुछ दिनों में बताने ही वाला था। वो एक्चुअली एक लड़की है। माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट हमने 2 दिन पहले शादी भी कर ली। क्या साले, तू तो बड़ा चुपरस्तम निकला, हमें बिना बताए शादी भी कर ली। माँ मुझे पता है आपको सुनकर ये बहुत गुस्सा आ रहा होगा और इस बात पर गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ भी है, लेकिन माँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे शादी करनी पड़ी। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और वो उसकी फोर्सफुली शादी कराना चाहते थे, मैं और क्या करता। माँ आप उसे एक बार मिलना चाहोगी प्लीज? आई एम एक्साइटेड। पर कौन है वो और नाम क्या उसका? यार वरुण, उसका नाम रिद्धि है। वरुण क्या हुआ? नहीं बाप कुछ नहीं। तुम दोनों कहाँ मिले? हम दोनों मेरे एक फ्रेंड के फैमिली फंक्शन में मिले थे। वो उसी की कजन सिस्टर है। ओ माँ रिद्धि एक बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे एक बार मिल तो लो प्लीज़। माँ अगर आप कहो तो मैं उसे घर पे बुलवा लूँ। तो एक काम कर, तू घर लेके आ उसे। तू माँ की चिंता मत कर, मैं इसे समझा लूँगा। तू बस भाभी को घर बुला ले, ठीक है? नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा गुनाह के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एक छोटा सा खुशहाल परिवार, 2 भाई जिनमें दोस्तों जैसा प्यार और उनकी माँ जो अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन इस आम सी दिखने वाली कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले थे जिसका अंदाज़ा ना तो उन दोनों भाइयों को था और ना ही उनकी माँ को। आखिर कौन से मोड़ थे ये जो इस परिवार की ज़िंदगी बदल देने वाले थे? जानने के लिए देखते हैं आज का ये एपिसोड। माँ ये रिद्धि है। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आओ बैठो। पानी लेके आती हूँ। नहीं माँ आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ।
हेलो। अरे मैं पी लो। अरे नहीं पीना है। लो ये भी आ गया। रिद्धि ये है मेरा छोटा भाई वरुण। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अरे हेलो क्या हो गया तुम दोनों को? वरुण? हाँ वो हम लोग कॉलेज मेट्स थे ग्रेजुएशन। ओह दैट्स वंडरफुल दैट्स ग्रेट। रिद्धि तुमने पहले बताया नहीं? हाँ वो मुझे लगा ये वरुण कोई और होगा। ओह बैठना वरुण। और हाँ माँ वो एक्चुअली रिद्धि हम सबके साथ यहाँ पर शिफ्ट होना चाहती है तो आप कहे तो मैं उसे। सब कुछ तो तूने पहले से डिसाइड कर रखा है ले आ मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। माँ तुम दोनों फिक्र मत करो। आई एम डैम श्योर कि माँ रिद्धि को जरूर पसंद करेगी। थैंक यू वरुण। और हाँ रिद्धि तुम जानते हो मेरी माँ ना मुझसे ज़्यादा ना इस कमीने से प्यार करती है। और हाँ ये माँ के सारे इन आउट्स को जानता है सब कुछ जानता है। एंड आई थिंक माँ को इम्प्रेस करने में ना ये तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता है। करेगा ना मदद? वरुण हमारे बीच जो कुछ भी था वो हमारा पास्ट था और अब प्रेजेंट में मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ यानी तुम्हारी भाभी। आई नो इट्स अ बिट ऑकवर्ड फॉर बोथ ऑफ अस। आई थिंक हमें हमारे इस नए रिलेशन के हिसाब से बिहेव करना होगा। या आई नो रिद्धि इट्स ओके। वैसे भी हमारे ब्रेकअप को 4 साल हो गए हैं और मैं तो कब का मूव ऑन हो चुका हूँ। सो डोंट वरी आई थिंक वी शुड कीप इट अ सीक्रेट राइट। अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में सागर को पता चल गया तो वो जी नहीं पाएगा। हाँ सो लेट्स बी फ्रेंड्स फ्रॉम हियर ऑन। या Let's be friends. क्यों बे वरुण? मतलब पहले ही दिन तूने मेरी बीवी से दोस्ती कर ली? क्यों? तेरी बीवी है तो कोई दोस्ती नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी हम लोग तो पहले से दोस्त हैं। नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है। चल वरुण हमें निकलना होगा। So shall we move? Bye वरुण। Bye. वरुण और रिद्धि के अतीत को बदला तो नहीं जा सकता था लेकिन हाँ उसे छुपाया जरूर जा सकता था। वरुण और रिद्धि ने भी यही किया था जो कि एक सही फैसला था सागर और रिद्धि की शादी की बेहतरी के लिए। जो रिश्ते अतीत में टूट चुके थे वो दोबारा एक बार जुड़े थे लेकिन इस बार बदले हुए नामों के साथ। रिद्धि को नए घर में अपनी सास अंजलि को मनाना था और वरुण इस काम में उसकी मदद कर रहा था। माँ हर रोज सुबह जल्दी उठ के पूजा करती आंगन में तुलसी के पेड़ को पानी भी देती और उन्हें ना साफ सफाई बहुत पसंद है। किसी को किचन में घुसने तक नहीं देती और उन्हें अपने हाथ से खाना बनाना पसंद है। आई थिंक फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर तुम ये सब कर लोगी ना तो मेरे ख्याल से माँ के नज़रों में अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। और माँ का फेवरेट डिश कौन सा है?
आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है भिंडी फ्राई. ओके थैंक यू. इट्स ओके. माँ आप बैठिए मैं देखती हूँ. कौन है? माँ वो न्यूज़पेपर वाला बिल लेने आया है. अरे तुम रुको मैं देती हूँ ना पैसे. ठीक है माँ. क्या खाना बनाया? खासकर की भिंडी फ्राई. माँ खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना. तुम भी बैठ जाओ. खाली बेटा ये लो. आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है. और ध्यान रहे इसमें जो हार है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो हमारा खानदानी हार है. इस खानदान की हर बहू के हाथ से गुजरा है. सब ने उसे संभाला है तो अब तुम्हारी बारी है इसे संभाल के रखना.
माँ, मैं चाहती हूँ इन्हें आप ही संभालें। माँ, आप इस घर की बड़ी हो और मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, तो बेहतर यही होगा कि इस घर की डोर आप ही संभालें। ठीक है, इन्हें तुम तुम्हारे लॉकर में ही रख दो। अरे कम से कम एक बार देख तो ले। हाँ। हाय राम, ये माँ क्या किया ये? I'm sorry माँ। क्या sorry? माँ वो गलती से गिर गया। एक चीज तुझे कहा था संभाल के रखना, ये हमारे खानदानी हार तूने क्या किया ये? माँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे। अरे क्या गलती हो गई? आपको इस तरह उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। चिल्लाना नहीं चाहिए था? हाँ, तुझे पता भी है उसने क्या किया? माँ क्या किया है पता है मुझे भी, वैसे भी ये हार आज नहीं तो कल तो टूटना ही था ना। अरे ये हार अगर आपके हाथों से टूटा होता तो, और एक गलती से टूटा, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी और शायद आपसे भी। सॉरी वरुण, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे इट्स ओके, मुझे पता है। प्लीज अब रोना बंद करो रिद्धि। वरुण, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों का सेंटीमेंट ब्रेक हुआ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, सॉरी वरुण। I'm sorry, माँ, माँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कोई नहीं, मैं जरा ज्यादा ही डांट दिया तुझे। अभी वो हार को कभी ना कभी तो टूटना ही था, शायद वो दिन आज था। तो फिकर ना कर, जा सो जा, मैं गुस्सा नहीं हूं। जा तुम सोए नहीं? ओ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। वो आज दोपहर के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं। अरे इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड उस बात को तो मैं कब से भूल चुका हूँ। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस चांद को देख रहा था और म्यूजिक। तो तुम्हारी आदत गई नहीं अब तक। मे आए? हाँ श्योर। कोई गर्लफ्रेंड? नहीं फिलहाल नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे जाने के बाद से। क्यों, प्यार से नफरत हो गई? नहीं ऐसा नहीं है, प्यार करने के कोई लायक मिली नहीं।
और बताओ। रिद्धि, मुझे ना अगले महीने मलेशिया जाना होगा एक ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 10-15 दिन के लिए। जाना जरूरी है? अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर गया तो आते ही इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेगा। ठीक है। सुन बेटा, तू ना पहुंचते ही फोन कर देना मुझे। हाँ माँ। खाना टाइम पे खाना। बिल्कुल। हो सके ना तो दिन में कम से कम एक बार बात कर लेना फोन पे। पक्का माँ। माँ आप भी अपना ध्यान रखना, अब मैं निकलता हूँ वरना देर हो जाएगी। बाय, टेक केयर। अरे तुम सोई नहीं अब तक? नहीं, बहुत बोर हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही। तुम रोज रात को यहाँ चांद तारे देखते हो? हाँ अब तो आदत सी पड़ गई है। आदत पड़ गई है? पर वरुण, पहले तो तुम सिर्फ मेरे साथ चांद तारे देखते थे ना। मुझे भी बहुत दिन हो गए। अरुण, इट्स ओके। अच्छा एक बात बताओ। बताना। पूछो तो। वरुण झूठ मत बोलना। अरे वाह, पूछो तो सही। तुमने अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? आई मीन, हमारे ब्रेकअप को तो 4 साल हो गए ना, और तुम अब तक सिंगल हो। तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? अरे मैंने उस दिन बताया तो था, वो मेरे लायक कोई मिली नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? कौन है वरुण गर्लफ्रेंड, बताओ ना। अरे यही सच है। तुम मुझसे सच छुपा नहीं सकते। तुम प्लीज मुझे इस तरह मत देखो। तो सच बता दो। देखो मैं
सच कहूं तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज मैं अब तक हमारे रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया, अब तक तुम्हें भुला नहीं पाया और यूं रात को चांद तारे देख के थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो क्या तुम अब भी मुझसे? नो नो, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सागर की बीवी हो। मतलब अगर मैं सागर की बीवी ना होती तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते? शायद। माँ, मैं वरुण के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर देगा। ठीक है, ध्यान से रख। माँ, बाकी काम वरुण कर लेगा। ठीक है। और वो हुआ क्या है? हुआ क्या है रिद्धि, बताओगी भी? अरे ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है, बोल ना रिद्धि, बात क्या है? I'm pregnant। क्या? वाह, सच? Congratulations। बधाइयों। थैंक यू माँ। Thank you so much. I'm so happy. Thanks a lot. You know what? मैंने सागर के चेहरे पे आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं देखी। बावरा हो गया वो एक खबर सुन के। I'm really happy for both of you. Thanks a lot. क्या हुआ तुम्हें? इस तरह मुंह लटका के खड़ी हो? वरुण, actually वो बच्चा सागर का नहीं, तुम्हारा। क्या बोल रही हो तुम? I mean, are you sure? Yes, वरुण, I'm damn sure. ये बच्चा तुम्हारा ही है। प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो अब क्या करेंगे? वरुण, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप की तरह इसे भी सीक्रेट बनाकर रखते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। Is that okay? Thank you. I love you. I love you too.
अतीत की नींव पर भविष्य की इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन रिद्धि और वरुण ने अपने 4 साल पुराने रिश्ते के लिए अपने साथ साथ सागर के वर्तमान को भी दांव पर लगा दिया। सागर के मलेशिया जाने के बाद वरुण और रिद्धि का टूटा हुआ रिश्ता फिर से शुरू हो गया, और अब रिद्धि के गर्भवती होने के बाद सागर को उनके रिश्ते के बारे में पता भी चल चुका था। सागर वरुण और रिद्धि से बहुत प्यार करता था, मगर उसके दो सबसे अजीज लोगों ने ही उसे धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया। और अब जब सागर को सब कुछ पता चल चुका था, तो जो वो करने वाला था वो इस कहानी को एक अलग ही दिशा देने वाला था। क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? अरे रिद्धि किचन में काम कर रही है। हाँ पता है मुझे, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे रिद्धि प्रेग्नेंट है। अरे बाबा मुझे पता है, मैंने भी उसको कितना समझाया कि अब ऐसे काम मत किया कर, अपना ख्याल रख, पर कहती है कि मुझे घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है, अब मैं क्या करूँ, सुनती नहीं है मेरा। अरे पर माँ तुम्हें तो उसकी देखभाल करनी चाहिए ना। वरुण मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ, पर मैं अपना ख्याल अच्छे से रख रही हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। भाई यार मेरी तो सुनने से रही नहीं है, तो ही समझा इनको। रिद्धि वरुण सही तो कह रहा है, अब से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखो, बाकी सब काम करने के लिए माँ है ना, माँ सब कुछ संभाले। ठीक है? ठीक है, अब सुनेगी। वरुण का बच्चा तेरी बीवी का ख्याल तुझसे भी ज्यादा रख रहा है, एप्पल वेपल काट के दे रहा है। हाँ मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे, मुझे तो कभी एप्पल काट के नहीं दिया। चलो अच्छा है। हाँ माँ मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वरुण का इस तरह दूसरा पहलू भी होगा। काम सीख जाएगा। चलो सागर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ, बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तुम फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट।
सागर, आओ बैठो। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं माँ, बस आपसे कुछ पूछना था। पूछना? वो माँ एक्चुअली एक सजेशन लेनी थी। माँ मेरा एक फ्रेंड है, उसने 5 महीने पहले एक लड़की से लव मैरिज की है, लेकिन जो लड़की से उसने शादी की है वो पास्ट में उसके भाई की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ओह, दोनों का 4 साल पहले ब्रेकअप भी हुआ है। हाय राम। माँ इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो लड़की और उसका भाई वो फिर से एक दूसरे को चाहने लगे हैं, और माँ इस वक्त ना वो लड़की प्रेग्नेंट है, और मेरे फ्रेंड को ये डाउट है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका नहीं, उसके भाई का है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। ऐसी सिचुएशन में मेरे फ्रेंड को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए और उस लड़की की शादी अपने भाई से करवा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भी। माँ मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड को ये सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। माँ मुझे पता है मेरे इस फैसले से आप टूट जाओगी, पर मुझे यही रास्ता सही लगा। मुझे यकीन है कि वरुण रिद्धि से बहुत प्यार करता है, पर मैं भी रिद्धि से कम प्यार नहीं करता। मैं मेरे प्यार को वरुण के लिए सैक्रिफाइस कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद माँ मैं जी नहीं सकता। शायद मेरे उनकी जिंदगी से चले जाने में ही सबकी भलाई है। आई एम सॉरी माँ, आपका सागर। एक शादी एक मौत पर आकर रुकी थी, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन था? रिद्धि, जिसने सागर से शादी होने के बावजूद भी वरुण के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखा, या फिर वरुण, जिसे सागर अपने भाई से ज्यादा अपना दोस्त मानता था मगर उसने उसी की बीवी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, या फिर खुद सागर जो अपनी बीवी और भाई से मिले धोखे की वजह से इतना कमजोर पड़ गया कि उसने सुसाइड कर लिया? होने को तो बहुत सी बातें हो सकती थी। रिद्धि और वरुण अपने अतीत को भुलाकर इन नई परिस्थितियों के हिसाब से एक नई शुरुआत कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सागर, जिसके लिए वरुण और रिद्धि से मिला धोखा बहुत ही दिल तोड़ने वाला था, उसके लिए जिंदगी वहीं खत्म नहीं हो गई थी। वो वरुण और रिद्धि से दूर जाकर एक नई शुरुआत कर सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। सागर ने रिद्धि से दूर जाने की बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा, जिसका अफसोस वरुण और रिद्धि को ताउम्र रहेगा कि काश वो दोनों भावनाओं में ना बह गए होते। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी की नई परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला होता
तो आज शायद सागर जिंदा होता। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।